यानी एमसीडी के स्थायी समिति चुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद ये जगह खाली हो गई थी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 26 सितंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सैनिक एनक्लेव के वार्ड 112 से, वहीं विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के भाटी के वार्ड नंबर 198 से पार्षद सुंदर सिंह को मैदान में उतारा है। स्थायी समिति की एक रितक सीट के लिए दोनों उम्मीदवारों ने गुरुवार को नगर पालिका सचिव के पास अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद यहां जगह खाली हो गई थी। कमलजीत सहरावत अभी भी हाल ही में लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। इस वैकेंसी को भरने के लिए 26 सितंबर को एमसीडी के जनरल हाउस मीटिंग में वोटिंग होगी। 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति में हाल ही में वार्ड समिति के चुनाव में 12 सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर हुआ था। नवनिर्वाचित सदस्यों में से 7 भाजपा पार्षद हैं, जो स्थायी समिति में पार्टी का प्रभुत्व सुरक्षित रखते हैं। बाकी 6 सदस्य एमसीडी सदन से चुने जाते हैं। पिछले साल स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी को 3-3 सीटें मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। गौरत बल है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए अभी भाजपा के सदस्यों की संख्या 9 है, वही आम आदमी पार्टी के पास सदस्यों की संख्या 8 है। माना जा रहा है कि संख्या बल के आधार पर नगम सदन से चुनकर आने वाले सदस्य आम आदमी पार्टी से होगा। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में दोनों दलों के सदस्यों की संख्या 9-9 हो जाएगी। बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी का जल्द गठन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की जा चुकी है। इसको लेकर जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की तरफ से नगर निगम को एक हफ्ते के अंदर इससे संबंधित हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। नामों की घोषणा के बाद दोनों उम्मीदवारों ने गुरुवार को स्थायी समिति की एक खाली सीट के लिए नगर सचिव के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया था। यह सीट भाजपा की कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद चुनी गई है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव के बाद 14 अक्टूबर को क्या नतीजा निकलता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे punjabkesari.com।